थैंक यू चौधरी जी। सर्वप्रथम तो सभी साथियों को जय भीम। जैसे कि डेस्क पे उपस्थित हमारे नेतागण और अधिकारी भी और हाल में उपस्थित सभी साथियों, जैसे कि एक गर्म मुद्दा जो सबके सामने आया है, ऐसे मुद्दे हमारे आने नहीं चाहिए, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो उनका उसी टाइम पे निवारण करना चाहिए। क्योंकि हमने एक चीज देखी कि हमारे ऑफिसर टाइम टू टाइम मुर्डर वगैरह निकलते रहते हैं, इस तरह के कि इस तरह की कोई टिप्पणी किसी के साथी के साथ ना की जाए, अगर कोई करता है तो उसके साथ इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। ये डिपार्टमेंटली एलआईसी में ऐसा हुआ है, तो आश्चर्यचकित वाली बात है कि वो एक एग्जीक्यूटिव आदमी इस तरह की बातें करे। हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि कोई इस तरह का एग्जीक्यूटिव इस तरह की बातें करे। इस तरह कहने से पहले वो 10 बार सोचता है कि मेरे साथ क्या हो सकता है। कम से कम पहली बात तो कि डिपार्टमेंट जो एलआईसी है उनको उनके अगेंस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन या अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कार्रवाई पहले करनी चाहिए, जिससे कि वो सोच में पड़ जाए। और जिस तरह की अब जो हम लोगों ने कोर्ट के अंदर इस मैटर को ले गए हैं और जिस तरह का मैटर आया है, ये वास्तव में वो बहुत अब प्रशंसनीय है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में क्या एलआईसी क्या किसी डिपार्टमेंट के अंदर भी कोई इस तरह की जो है हिमाकत करने की जरूरत कर ना सके। क्योंकि ये एक आज तक मैंने नहीं देखा कि इस तरह की कोई बातें करता है। क्योंकि ये चीज दब चुकी है, कोई कहता नहीं है, कहने से पहले 10 बार सोचता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि उसे नौकरी प्यारी होती है, अपना एक्शन प्यारा होता है। क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया तो ये होगा कि मेरे केस में एक्शन तो पक्का है, डेफिनेटली हो जाएगा अगर जागरूक लोग हैं तो। क्योंकि ये इसमें जागरूकता जरूर होनी चाहिए, बिना जागरूकता के कुछ होता नहीं है। और हमारा समाज बहुत पढ़ा लिखा है और जागरूक है, हमारे नेता इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हर चीज का मैटर वो मतलब हर चीज का निवारण जानते हैं कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अगर इसके लिए धरना भी देना पड़े तो धरना भी देना चाहिए। और कोई जो सख्त सख्त कार्रवाई है जो हम लोग कर सकते हैं उसको भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, बिना फाइनेंस के कोई भी मैटर सॉल्व नहीं होता। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप लोगों को सभी को एसोसिएशन देता हूँ कि जो भी चौधरी जी या जो भी मतलब फेडरेशन हम लोगों को सौंपेगा फाइनेंस के मामले में, हम उसको निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे और सभी का सहयोग इसमें जरूरी है, सभी लोग साथ दें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।